अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एटम नंबर 14 श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। महोदय जरा हाउस में थोड़ा ऑर्डर कर लीजिए। वे बहुत ही प्लीज हाउस में ऑर्डर, कृपया शांत रहे, बैठे, चलना फिरना नहीं। कृपया बैठ जाइए। सतपाल जी, श्रीमंत्री जी आप कृपया बैठ जाएं। सत्ता पक्ष पे ज्यादा बेचैनी है, बैठवा दो सब। उपाध्यक्ष जी, आज मैं अत्यंत वेदना के साथ इस दुखदायी प्रकरण पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई। मेरी इच्छा तो ये थी कि चर्चा नियम 184 के तहत होती और उसके बाद सदन एक ठोस प्रस्ताव पारित करता, लेकिन मुझे बताया गया कि कार्य सलाहकार समिति में सहमति नियम 193 के तहत चर्चा की बनी है। उस सहमति के चलते मैंने अपने नोटिस को परिवर्तित कर दिया और मैं नियम 193 के अधीन ही चर्चा कर रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 1984 के आखिरी 3 महीने हिंदुस्तान में 3 बड़ी त्रासदियों के लिए जाने जाते हैं। अक्टूबर की 31 तारीख को, यानी अंतिम दिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके अगले ही दिन से, नवंबर के पहले सप्ताह में, हजारों हजार सिख भाइयों को सड़कों पर जिंदा जला दिया गया और उसके 1 महीने बाद दिसंबर के 2 और 3 की अर्धरात्रि को एक जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों भोपालवासियों को मौत की नींद सुला दिया। ये 3 त्रासदियां 3 तरह के कारणों से हुई। पहली त्रासदी महोदय विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। दूसरी त्रासदी यानी सिखों का नरसंहार क्रूरता की पराकाष्ठा थी और भोपाल का गैस रिसाव लापरवाही की पराकाष्ठा थी। उपाध्यक्ष जी, अभी चंद दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक फोटो प्रदर्शनी लगी थी इस हादसे की विभीषिका को दर्शाते हुए। मैं स्वयं गई थी उसे देखने। वहां रखी हुई तस्वीरें उस त्रासदी की व्यापकता भी बता रही थी और उसकी भयावहता भी दिखा रही थी। उन तस्वीरों ने 25 वर्ष बाद भी इस हादसे को जीवंत रूप में उजागर करके रख दिया था। मुझे नहीं मालूम कितने में, हम में से कितने लोगों ने वो फोटो प्रदर्शनी देखी, लेकिन वो फोटो प्रदर्शनी एक जीवित कहानी कह रही थी उस हादसे की जो 25 साल पहले भोपाल में घटा था। उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों एक कार्यक्रम आ रहा था टीवी पर भोपाल गैस त्रासदी पर, जिस पर गैस पीड़ित अपना अपना बयान दे रहे थे। मैं गृहमंत्री जी को कहना चाहूंगी, उसमें एक महिला बोल रही थी, होम मिनिस्टर साहब, उसके 2 वाक्य मुझे कभी नहीं भूलते। एक वाक्य उसने कहा था कि उस दिन भोपाल में इंसानियत और ममता दोनों मर गई थी। लोगों को केवल खुद को बचाने की फिक्र थी। मां बच्चों को छोड़कर भाग रही थी और बच्चे बूढ़े मां बापों को छोड़कर भाग रहे थे। और दूसरा वाक्य उसने कहा कि उस दिन मौत बहुत सुखद लग रही थी।
क्योंकि इस गैस के कारण फेफड़ों और आंखों में जो जलन हो रही थी उससे लोग बेतहाशा तड़प रहे थे। इसलिए सामने तड़पता हुआ जब इंसान कोई मर जाता था तो मुंह से निकलता था, ईश्वर तूने इसे मुक्ति दी, और हाथ दुआ के लिए ऊपर उठते थे कि भगवान मुझे भी मुक्त कर, मुझे भी मौत दे। मैं आज कहना चाहती हूं आपसे, ये मौत भोपाल में उस दिन अचानक नहीं बरसी थी, ये मौत ऊपर से आकर टपक नहीं पड़ी थी। उपाध्यक्ष जी, इस मौत ने दरवाजा खटखटा खटखटा कर कहा था इस फैक्ट्री वालों को, दस्तक दे देकर कहा था 3 साल तक कि तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हूं, अगर मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो, अगर अंदर प्रवेश कर गई तो मैं हजारों को लील जाऊंगी। मौत घंटियां बजा बजा कर सुना रही थी अपने आने की आवाज, अपने आने की आहट, लेकिन ये आवाज बस्ती वालों ने सुनी, ये आवाज श्रमिक संगठनों ने सुनी, ये आवाज वहां के पत्रकारों ने सुनी, और बार बार वहां के सियासतदानों को सुनाने की कोशिश की, फैक्ट्री के प्रशासकों को सुनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि प्रशासन ने केवल पैसे के लालच में और राजनेताओं ने सत्ता के मद में मौत की इस आवाज को अनसुना कर दिया। उपाध्यक्ष जी, मेरे पास ये जनसत्ता अखबार की एक प्रति है, इतना बड़ा लेख है ये, वहां के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं राजकुमार केशवानी। ये अखबार 16 जून 1984 का, ये घटना 2 और 3 दिसंबर की अर्धरात्रि की है, हिसाब लगाओ तो 5.5 महीने पहले। घटना से 5.5 महीने पहले राजकुमार केसवानी ने ये लेख लिखा जिसका शीर्षक है भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर। इतना बड़ा लेख मैं पढ़कर नहीं सुना सकती, लेकिन उसके कुछ प्रासंगिक अंश आपको सुनाना चाहूंगी संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान और चाहूंगी गृह मंत्री का ध्यान। उपाध्यक्ष जी, 1982 की एक घटना का जिक्र करते हुए वो आगे लिखते हैं, राजकुमार केसवानी जनसत्ता में 16 जून 1984 को लिखते हैं कि 5 अक्टूबर 1982 मंगलवार का वो दिन जब रात के अंधेरों में घिरकर बुधवार की शक्ल में तब्दील हो रहा था, तभी एमआईसी प्लांट पर काम कर रहे ऑपरेटर वाडेकर द्वारा वॉल्व खुलते ही पाइपलाइनों को जोड़ने वाली फिलिंज एक धमाके के साथ फूट पड़ी और जहरीला मिथाइल लावे की तरह उबल पड़ा। प्लांट पर काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाने को बदहवासी से बाहर की तरफ भागने लगे और खतरे की सूचना देता अपशकुनी सायरन अपनी मनहूस आवाज में गूंज उठा। इस दुर्घटना में जहां प्लांट के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं दूसरी ओर भागदौड़ के कारण कई लोगों को शारीरिक चोटें आईं और कुछ लोगों ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। आगे की लाइनें सुनने वाली हैं। 1983 का साल भी ऐसी ही 2 घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया। ये 1982 की घटना बताई, आगे कहा कि 1983 का साल भी ऐसी ही 2 घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया, और न मालूम ये 1984 का वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है। ये 16 जून 1984 को राजकुमार केसवानी ने लिखा कि पता नहीं 1984 का ये वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है। इस वाक्य में उपाध्यक्ष जी आशंका भी है और भविष्यवाणी भी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस तरह की घटनाएं जो इस प्लांट में पुराने 3 वर्षों से हो रही थी वो रोकी नहीं गई, इसलिए ये एक औद्योगिक आपराधिक लापरवाही का मामला है। ऐसी लापरवाही जिसका इलाज हो जाता तो यह हादसा रुक सकता था, लेकिन पैसा बचाने के लालच में यह दुर्घटनाएं होने देती गई, लेकिन उनमें सुधार नहीं किया गया, उसमें इलाज नहीं किया गया। मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहती हूं इस फैक्ट्री का। उपाध्यक्ष जी, 1969 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने
यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का यह प्लांट भोपाल में लगाया। यह कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें गैस इस्तेमाल होती थी MIC, मिथाइल यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का यह प्लांट भोपाल में लगाया। यह कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें गैस इस्तेमाल होती थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनाइड यहां बनती नहीं थी, उसका उत्पादन नहीं होता था यहां, उसका आयात किया जाता था अमेरिका से। 1970 में इस कंपनी ने एक आवेदन दिया कि हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड इसी कंपनी में उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जाए। 1970 का यह आवेदन गृह मंत्री जी 5 वर्ष तक पड़ा रहा। लेकिन 1975 में जब एक ऐसा रिजीम आया जहां ना अपील थी ना दलील ना वकील, जब भारत के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, जब देश में आपात स्थिति लागू थी, तब अक्टूबर 1975 में यह लाइसेंस इस कंपनी को दिया गया कि आप MIC का उत्पादन यहां कर सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूं, मृत्यु के तांडव ने पहला कदम भोपाल में उस दिन रख दिया था जिस दिन इस कंपनी को MIC बनाने का लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया था। क्योंकि MIC की गैस साधारण गैस नहीं होती, MIC की गैस छोटी मोटी जहरीली गैस भी नहीं होती। MIC की गैस वो गैस है उपाध्यक्ष जी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। ये वो गैस है जो हिटलर ने गैस चैम्बरों में इस्तेमाल की थी। ये वो गैस है जो जिनेवा कन्वेंशन से प्रतिबंधित थी। और इस गैस को लगाने वाली फैक्ट्री के लिए कुछ सावधानियां बरतने के नियम है। इस तरह की फैक्ट्री कम से कम नगर की सीमा से 20-25 किलोमीटर बाहर लगनी चाहिए थी। लेकिन ये कंपनी जहां लगी वहां बहुत घनी बसाहटें थी, बड़ी बड़ी कॉलोनियां इसके आसपास बसी हुई थी। इसकी अनदेखी की गई, इन नियमों की अवहेलना की गई। और उसके बाद इसमें सावधानी ये बरतनी चाहिए थी कि ये गैस बहुत बड़े बड़े टैंकों में रखी जाती है, छोटे टैंकों में रखी जाती है, और वो छोटे टैंक बड़े बड़े टैंकों में नहीं रखी जाती, छोटे टैंकों में रखी जाती है, और वो छोटे टैंक भी आधे खाली रखे जाते हैं कि अगर कभी पानी उस टैंक में चला जाए और गैस उफनने लगे तो वो जो आधा भरा हुआ टैंक है वहीं तक रह जाए, बाहर न छलके। उसके साथ खाली टैंक रखे जाते हैं, अगर गैस उफनने लगे तो वो गैस बराबर के टैंक में डाल दी जाए। वहां टेम्परेचर 0 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। इस कंपनी की बनावट में इनमें से एक भी सावधानी नहीं बरती गई। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं अध्यक्ष जी, जिस समय ये हादसा हो गया तो बहुत सी जांच एजेंसियों को इस कंपनी में जांच के लिए भेजा गया और उस जांच के आधार पर CBI ने एक चार्जशीट फाइल की। वो चार्जशीट उस CGM के ऑर्डर का हिस्सा है जो अभी 7 जून को उन्होंने फैसला दिया है। गृह मंत्री जी वकील हैं, मैं उस फैसले में से वो हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहती हूं कि क्या क्या लापरवाहियों का जिक्र चार्जशीट में किया गया। मिस्टर होम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। CGM सेज अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट, द प्रोसीजर फॉर स्टोरेज ऑफ MIC हैज बीन गिवन एट page 7। MIC should be stored in underground tanks of stainless steel type 304 and 316 for safety reasons. The size of the tanks should be kept twice to the volume required for storage. As an alternative, an empty tank should be kept available at all the times. Now, the CSIR report reveals that the main causant for the incident were the needless storage of large quantity of MIC in large tanks like tank number 610. Second, insufficient caution in design. Third,
choice of material. Fourth, other alarming instruments. Fifth, inadequate control on system of storage. Sixth, and on quality of stored materials, and as well as lack of necessary facilities for quick effective disposal of material which led to the incident. And one more thing, Mr. Home Minister, more so on the date of incident, refrigeration system was not working. The flare tower was also out of order. VGS was incapable of neutralizing the large quantity of MIC. The MIC, which is highly dangerous and toxic poison and stored in large quantity, was an act of omission on the part of the accused person, and no step was taken by the then authorities, namely she Warren Anderson, the chairman Union Carbide Corporation, USA. ये है वो लापरवाही का मामला. उपाध्यक्ष महोदय, ये है वो लापरवाही का मामला जो मैंने आपके सामने रखा, जिस चार्जशीट के आधार पर उन्होंने कहा कि यह हादसा हुआ. इसीलिए मैंने कहा यह मामला सामान्य दुर्घटना का नहीं है. गृहमंत्री जी, यह मामला केवल एक्सीडेंट का नहीं है, यह मामला सामूहिक हत्या का मामला है. और आप इंग्लिश लॉ को जानते हैं, आप इंग्लिश लॉ को जानते हैं. इंग्लिश लॉ में आप पीछे देखने के बजाय अगर मेरी तरफ देखें, आप इंग्लिश लॉ जानते हैं, दिस इज द केस ऑफ कॉर्पोरेट मैन स्लॉटर. क्योंकि केवल यही बात उस अमेरिकन कंपनी को समझ में आएगी, सामूहिक हत्या समझ में नहीं आएगी. दिस इज द केस ऑफ कॉर्पोरेट मैन स्लॉटर, जहां केवल आर्थिक लाभ उठाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हिंदुस्तानी जान को सस्ता समझते हुए यह हादसा होने दिया गया. यह हादसा हुआ नहीं, यह हादसा करवाया गया, लापरवाही के कारण करवाया गया. ये मेरा पहला आरोप. उपाध्यक्ष जी, उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. हजारों की संख्या में लोग मरे. जब लोग अपने रिश्तेदारों को दफनाने से, उनका दाह संस्कार करने से फुर्सत पाए, तो शुरू हुई कानूनी लड़ाई. अनेकों संगठन बने गैस पीड़ितों के, और उन्होंने अलग 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 अदालतों में मुकदमे डाले, केस दर्ज करवाए. जबलपुर में केस डला, भोपाल में केस डला, दिल्ली में केस डला. तरह तरह के केस तरह तरह जगह पर जब चलने लगे, तो भारत सरकार को लगा कि इतने केस ये लोग अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर लड़ें, ये सही नहीं होगा. बेहतर होगा कि हम एक एक्ट बनाकर ये सारे अधिकार लड़ाई के खुद ले लें और इन सब की तरफ से हम लड़ें. और इस सोच के साथ एक एक्ट पारित हुआ, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 के उस एक्ट में को संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया, और सारे के सारे अधिकार केंद्र सरकार ने ले लिए. उस भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट की धारा 3 पढ़कर बताती हूं, जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एंड शैल हैव. वो विधिवेत्ता हैं, जानते हैं जब किसी चीज पर इंफोसाइज करना होता है तो उसे दोबारा कहा जाता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एंड शैल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रेजेंट एंड एक्ट इन प्लेस ऑफ whether within or outside India, every person who has made or is entitled to make a claim for all purpose connected with such claim in the same manner and to the same effect as such person. यानी केंद्र सरकार, सारे अधिकार आप हमें दे दो, व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता, हम ये लड़ाई लड़ेंगे उस हर व्यक्ति की तरफ से जिसने कहीं भी मुकदमा डाला रखा है, चाहे यहां चाहे बाहर. लोगों को लगा इससे बड़ी सोच नहीं हो सकती, इससे बड़ी मदद भारत सरकार नहीं कर सकती. अकेला आदमी बहुराष्ट्रीय कंपनी से कैसे लड़ेगा, उनके पास तो इतना पैसा, इतना अमला, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है. लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से लड़ेगी,
तो भारत सरकार के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी पड़ जाएगी। भारत सरकार के हाथ इतने लंबे हैं कि वो हम सब की तरफ से दबोच लेगी उस कंपनी को और हमें न्याय दिलवाएगी। भारत के भोपाल के लोगों ने, गैस पीड़ितों ने भरोसा करके, अंत का विश्वास करके ये बिल पारित करवा दिया। पूरी संसद ने सर्वसम्मति से उन गैस पीड़ितों से लेकर के सारे अधिकार भारत सरकार को दे दिया। भरोसा करके, अंत का विश्वास करके ये बिल पारित करवा दिया। पूरी संसद ने सर्वसम्मति से उन गैस पीड़ितों से लेकर के सारे अधिकार भारत सरकार को दे दिया। लेकिन उपाध्यक्ष जी, उसके बाद जो घटा है उसे मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। चार साल के बाद 1985 में यह एक्ट आया। 1989 में उस भारत सरकार ने, जिस पर गैस पीड़ितों ने भरोसा किया था, जो दावा उन्होंने डाला था, वो दावा 1113 ऑफ 1986, उस दावे में उन्होंने $3 बिलियन यानी 3900 करोड़ रुपए का दावा किया था, मुआवजे का दावा 3900 करोड़ का जो डाला था। उपाध्यक्ष महोदय, 1989 में भारत सरकार ने एक सुलहनामा किया यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया। कोर्ट के अंदर मेरिट पर फैसला नहीं हुआ और आउट ऑफ द कोर्ट भारत सरकार ने और यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोगों ने बैठ करके एक सुलहनामा कर दिया और 615 करोड़ में उन्हें सारी देनदारियां खत्म कर दी, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दी। आप हैरान होंगे, मेरा खून खौलता है जिस समय इस समझौते को मैं पढ़ती हूं। 14 फरवरी को यह समझौता हुआ, 15 फरवरी को ऑर्डर हुआ और उसके बाद एक टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बनी। वो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या है वो अंग्रेजी में है, इसलिए पहले अंग्रेजी में पढ़ के बताती हूँ, बाद में उसका हिंदी शब्दार्थ बताऊं। दिस सेटलमेंट शेल फाइनली डिस्पोज ऑफ ऑल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लेम्स, कॉजेज ऑफ एक्शन, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी नेचर व्हाटसोएवर, वेयर एवर पेंडिंग बाय ऑल इंडियन सिटीजन एंड ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज विद रिस्पेक्ट टू ऑल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेथ्स, पर्सनल इंजरीज, हेल्थ इफेक्ट, कॉम्पनसेशन, लॉसेस, डैमेजेस एंड सिविल एंड क्रिमिनल कंप्लेंट्स ऑफ एनी नेचर व्हाटसोएवर अगेंस्ट यू। वाज़ द प्राइम मिनिस्टर इन 89? कौन से प्राइम मिनिस्टर? बीपी सिंह वाज़ द प्राइम मिनिस्टर। अरे मत बोलो, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी। चौदह फरवरी 1989 को प्रधानमंत्री कौन था मुझे बताने की जरूरत नहीं नारायण स्वामी जी, क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसमें खुद फंस जाओगे। सुनिए सर, सुनिए, एंड सिविल एंड क्रिमिनल कंप्लेंट्स ऑफ एनी नेचर व्हाटसोएवर अगेंस्ट यूसीसी, दैट इज यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न एंड ऑल ऑफ देयर सब्सिडरीज एंड अफिलियट्स एज वेल एज ईच ऑफ देयर प्रेजेंट एंड फॉर्मर डायरेक्टर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव, अटॉर्नीज, एडवोकेट एंड सॉलिसिटर अराइजिंग आउट ऑफ, रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द क्लेम्स, कॉजेज ऑफ एक्शन एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट ईच अदर, ऑल सच क्लेम्स एंड कॉजेज ऑफ एक्शन वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया ऑफ इंडियन सिटीजन, पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज आर हेयर बाय एक्सटिंग्विश्ड, इंक्लूडिंग विदाउट लिमिटेशन ईच ऑफ द क्लेम फाइल्ड और टू बी फाइल्ड अंडर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम स्कीम 1985 एंड ऑल सच सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया आर हेयर बाय ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट एंड आर डिसमिस्ड विद प्रेजुडिस एंड ऑल सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टैंड क्वास्ट एंड अक्यूज डीम्ड टू बी एंड अक्यूज
and accused deemed to be acquitted. Upon full payment in accordance with the court's directions, the undertaking given by UCC pursuant to the order dated November 30, 1986 in the District Court Bhopal stands discharged. And all orders passed in suit number 1113 of 1986 and or in any revision therefrom also stands discharged. Upadhyaksh Mahoday. ये अंग्रेजी में था समझौता, अंग्रेजी वालों को तो समझ में आ गया, लेकिन मैं हिंदी का शब्दार्थ इस सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है उपाध्यक्ष जी कि 615 करोड़ भारतीय सरकार को दे करके यूनियन कार्बाइड के लोगों ने गैस पीड़ितों से कहा ये पकड़ो 615 करोड़ और गायब हो जाओ। खबरदार अगर कल से दिखे किसी कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस में दिखना मत। आज से हमारी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी देनदारियां खत्म। आज से हमारे खिलाफ चल रहे दीवानी और फौजदारी सारे मुकदमे खारिज। आज से हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे किसी भी वर्तमान या भावी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ तुम कोई मुकदमा नहीं डाल सकते, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे रहनुमाओं के साथ हमारा समझौता हो गया। और उपाध्यक्ष जी, 615 करोड़ के दो ड्राफ्ट, एक 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर का और एक 68 करोड़ रुपए के भारतीय रुपए का, दो ड्राफ्ट मेज पर पटकते हुए हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए अपनी ताकत पर इथलाते हुए और गैस पीड़ितों को ठेंगा दिखाते हुए यूनियन कार्बाइड के लोग बाहर निकल गए। बाहर गैस पीड़ित संगठन खड़े थे, गैस पीड़ित संगठनों ने नारे लगाने शुरू किए, गैस पीड़ित के मृतकों के परिजनों ने आंसू बहाने शुरू किए। तो बाहर निकल करके भारत सरकार के कुछ लोगों ने समझाना शुरू किया, अरे अच्छा हुआ इतना मिल गया, पता नहीं आपको यदि मिलता कि नहीं मिलता। जब वो समझा रहे थे उस समय मेरे मुंह से एक शेर निकल रहा था, याद आ रहा था एक शायर का कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हम उनसे क्या शिकायत करें, वो तो व्यापारी थे, व्यापार करने आए कमाने आए, वो क्यों देते हमें पैसा। लेकिन जिसे रहबर बनाया था 1985 के एक्ट के तहत अपने हाथ काट करके सारे अधिकार जिसको दे दिए थे, जिसको अपना रहनुमा बनाकर बैठाया था, जिस पर विश्वास किया था, उस रहबर ने क्या किया? उस रहबर ने 615 करोड़ में 3900 करोड़ का दावा, 615 करोड़ में दीवानी और फौजदारी सारी देनदारियों से मुक्त करके उनको बरी कर दिया और गैस पीड़ितों को कहा कि आप, शायद कुछ लोगों को यहां ये लगता हो कि 615 करोड़ रुपए उस समय बहुत रहे होंगे 1989 में, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ये तो बड़ा अमाउंट था। ये बड़ा अमाउंट नहीं था उपाध्यक्ष जी, क्योंकि ये 615 करोड़ कितनों में बंटने थे आप जानते? 10 लाख लोगों का क्लेम था और 5.5 लाख लोगों में ये 615 करोड़ रुपया बचना था। 5.5 लाख लोगों में क्या आना था? 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार। और ये बात मैं नहीं कह रही, कितने क्लेम्स थे और कितनों में ये पैसा बटा। अभी इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब 29 जुलाई को दिया गया। मैं उस क्वेश्चन का नंबर था 70 क्वेश्चन नंबर 70, उसमें इस सरकार ने कहा, सवाल पूछा गया था कितने दावे थे, कितने लोगों को मुआवजा बता, ये आपकी सरकार का जवाब है। अ टोटल ऑफ 10,29,517 क्लेम केसेस वेयर फाइल्ड एंड द ऑफिस ऑफ द वेलफेयर कमिश्नर आफ्टर एडजुडिकेशन अवॉर्डेड कॉम्पेंसेशन इन 5,74,376 केसेस।
574,376 लोगों के दावे वैध पाए गए। हो सकता है उसमें से कई और वैध रह गए हों, लेकिन जिनको कल्याण आयुक्त वेलफेयर कमिश्नर भोपाल ने वैध पाया उन दावों की संख्या है 574,376। मुझे और दुखी हुई, मैंने उन लोगों से पूछा तो किसी ने कहा 25,000 की दो किस्तें मृतकों को मिली, कुछ लोगों को 5,000 मिला, कुछ लोगों को 10,000 मिला, क्योंकि 615 करोड़ में आप क्या बांटेंगे? रुपया रबड़ तो नहीं है जिसे आप खींच लेंगे। लेकिन मैं उसके बाद की बात करती हूं, वहां तो आपने जो किया सो किया। अब जब बावेला मचा, सीजीएम का नया ऑर्डर आया, दोबारा से यह मामला चर्चा में आया, पत्र पत्रिकाओं में इसके खिलाफ लिखा जाने लगा, टीवी पर कार्यक्रम आने लगे, तो सरकार ने एक मंत्रिमंडल का समूह बनाया, वर्तमान सरकार, और वर्तमान सरकार के जीओएम ने तय किया कि जो मृतक हैं उन्हें हम 10,00,000 रुपया देंगे माइनस जितना उन्हें मिल चुका, जो टोटली डिसेबल्ड हैं उनको राशि देंगे, और ऐसा करके उन्होंने एक निर्णय किया। मुझे दुख है उपाध्यक्ष जी आपको ये बताते हुए कि जिस सवाल में सरकार ने पहले पृष्ठ पर यह कहा कि 574,376 वादे वैध थे, उसी सवाल में एक अनुलग्नक, एक एनेक्शर लगाया, क्योंकि उस सवाल का एक भाग यह भी था कि जो जीएम बना है उसकी सिफारिशें क्या हैं और जीओएम ने क्या तय किया, तो जीओएम की सिफारिशें उसी सवाल में सरकार ने उसी प्रश्न संख्या 70 में लिखी। मैं पढ़कर सुनाती हूं। Compensation to the following categories of claims of victims and the families may be enhanced as under. Category death 5,295. Permanent disability 3,199. Cancer cases about 2,000. Total renal failure about 1,000. Temporary disability 33,672. मैंने इस आंकड़े को जोड़ा है, यह आंकड़ा बनता है 45,166 का। मैं पूछना चाहती हूं गृहमंत्री जी, आप उस जीओएम में थे, एक सवाल के भाग एक में आप कहते हैं कि वहां गैस प्रभावित लोगों के 574,356 केसेस वैध पाए गए, और आपका जीओएम जब बैठता है तो व्यवस्था करता है 45,166 लोगों के लिए। ये जो राशि आप दे रहे हैं, अगर 45,166 के लिए दे रहे हैं, ये फिर से 574,000 लोगों में बटेगी तो फिर उनका वही हाल होगा, हजार हजार दो दो हजार तीन तीन हजार रुपए दे दिए जाएंगे। आपने डेड माने हैं 5,295, लेकिन 15,342 लोग मृत हैं, ये वेलफेयर कमिश्नर ने माना है। आप कहेंगे कि हमने तो आंकड़ा भोपाल से लिया है, बिल्कुल भोपाल से लिया है। ये 5,295 वो लोग हैं जो तुरंत मर गए, अगले दो तीन चार दिनों में मर गए, लेकिन जो लोग पैर पटकते पटकते 5-7 दिन बच गए, 10 दिन बच गए, साल भर बच गए, लेकिन मरे उसी के कारण जिस गैस ने उन्हें प्रभावित कर दिया था, आप उन्हें मृत की श्रेणी में नहीं मानेंगे? ये मेरे पास भोपाल का आंकड़ा है, इसी के नीचे, जहां उन्होंने कहा है कि 15,342 पीपल वर फाउंड डेड। यहां भी 22,000 दावे आए थे, मरे हुए लोगों के 22,000 दावे आए थे, मगर 15,342 लोगों को उन्होंने मृत पाया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज 25 बरस बाद जब प्रावधान करने लगे हो, अगर एक जीओएम बनाया है, अगर आज वापस इस चीज को खोल रहे हो, तो कम से कम आज तो 574,356 उन तमाम लोगों के लिए प्रावधान करने का काम करो जिनके दावे वैध पाए गए हैं। और ये जो 10,00,000 की राशि देने की बात है, ये तो कम से कम 5,295 से उठाकर उन 15,342 की बात करो जो मरे हैं, जिनको मृत पाया है वेलफेयर कमिश्नर ने। ये अंत मत करो कि उस दिन कौन मरा था, या 6 महीने बाद कौन मरा था, या 1 साल बाद कौन मरा था। अगर मृत्यु का कारण भोपाल गैस के कारण प्रभावित होना है, तो आप उसके लिए व्यवस्था करो, ये मेरी आपसे मांग है।
उपाध्यक्ष जी, अब मैं यहां एक और बात कहना चाहती हूं कि भारत सरकार यह पैसा अपनी तरफ से दे रही है। जीओएम में जो लिखा गया है ये एनहांस कॉम्पेंसेशन भारत सरकार अपनी तरफ से दे रही है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या भारत सरकार पैसा उगाती है? क्या भारत सरकार के यहां कोई पेड़ लगे हैं जहां पैसा लटकता है? अरे भारत सरकार का पैसा भारत के करदाताओं का पैसा है, भारत सरकार का पैसा इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं, भारतीय मरे और भारतीय ही मुआवजा भरे और फिरंगी मौज करें, ये कहां का न्याय? चाहिए तो ये कि ये पैसा हम उनके हलक से निकाल के लाएं, लेकिन आप ये नहीं कर रहे, आप वापस उन्हें छूट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ये पैसा हम अपने खजाने से दे देंगे। ये खजाना आपका कहां है? ये खजाना भारत की जनता का है, ये खजाना भारत के लोगों का है। आप उन फिरंगियों को क्यों नहीं पकड़ते जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अपराध करके चले गए, जिनको आपने 615 करोड़ में बरी कर दिया, उनका बाकी भुगतान आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप उनसे लेना नहीं चाह रहे। और उनके अपने यहां क्या स्थिति है मैं आपको बताना चाहती हूं उपाध्यक्ष जी, गृहमंत्री को मालूम होगा, अभी अभी अप्रैल का केस है, अप्रैल का अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक घटना घटी, ऑयल स्पिल किया, तेल छलका, कितने लोग मरे? 11, बाद में 2, 11 लोग मरे, 2 बाद में मरे, 13 मरे। अमेरिकन प्रशासन ने ब्रिटिश पेट्रोलियम को बुलाकर कहा 90 करोड़ रुपया एक तरफ रख दो मुआवजे के लिए, 90 करोड़ रुपया, 90 हजार करोड़। उन्होंने कहा 90 हजार करोड़ रुपया एक तरफ रख दो मुआवजे के लिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण खराब हुआ है। इन 11 लोगों को तो देंगे ही देंगे, लेकिन हम अपना पर्यावरण कैसे सुरक्षित रखेंगे? 90 हजार करोड़ रुपया जिस अमेरिका ने ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी से एक तरफ रखवाया है, उस अमेरिका की कंपनी को आप 615 करोड़ में और मैं आपको बताना चाहती हूं, आप कहेंगे कि हम कैसे करें, आप कहेंगे कि ये हम कैसे करें, मैं आपको रास्ता बताती हूं कैसे करें। गैस पीड़ित संगठनों ने लड़ाई छोड़ी नहीं आपके उस समझौते के बाद भी, उन्होंने एक केस यूनाइटेड स्टेट्स में डाल रखा है जो न्यूयॉर्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है, और वो केस पर्यावरण पर ही है। उनके यहां तो समुद्र में तेल छलका, हमारे यहां भोपाल की ये हालत है। बैठे हैं भोपाल के सांसद कैलाश जी, बताएंगे आपको, इस फैक्ट्री के 5 स्क्वायर किलोमीटर में पीने का पानी जहरीला हो गया है, ना वहां ट्यूबवेल खुद सकता, ना वहां हैंडपंप लग सकता, वहां पानी आ ही नहीं सकता, जहरीला है पानी, कोई पी नहीं सकता उसको। और पानी के जहरीले होने का क्या अर्थ होता है? आसपास की पूरी जमीन बिकनी बंद हो गई। गृहमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूं, जो 90 हजार करोड़ का मुकदमा अमेरिका ने डाला है, उसमें एक कारण उन्होंने ये बताया है कि हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस की बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ी, यानी उनके सैलानियों का सैर पाट बंद हो जाए, इसके लिए 90 हजार करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके सैलानी सैर सपाटे को नहीं आ सके। तो वहां सैर सपाटा बंद होने पर 90 हजार करोड़ का मुआवजा मांगते हैं वो ये, और हमारे यहां 15 हजार लोग मर गए, लाखों लाख लोग घायल हो गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई लोगों की, और वहां हम 615 करोड़ में छोड़ दें, ये मुकदमा वहां चल रहा है। 5 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे यहां पानी जहरीला है, और केवल ये नहीं, हमारी तीसरी पीढ़ी अपाहिज हो रही है। ये मेरे पास एक प्रेस की कटिंग और एक पत्र है, हमारी एक कार्यकर्ता है डॉक्टर फिरोजा बानो, उन्होंने ये पत्र लिखा मुझे और प्रेस की क्लिपिंग साथ भेजी है, जिसका शीर्षक है गैस त्रासदी का दंश, तीसरी पीढ़ी भी भुगत रही, अली ने गवाई किडनी। ये 10 बरस का बच्चा है,
10 बरस का बच्चा, जिसमें लिखा है सिंधी कॉलोनी निवासी एयू खान और उनका परिवार 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड से निकली गैस की चपेट में आया था। बच्चे के दादा ने बताया कि बच्चे की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, लेकिन बीएमएचआरसी अस्पताल में इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस बच्चे को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 10 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया गया है, लेकिन सरकार ने मुआवजे की केवल 25,000 रुपए की राशि थमाई है। इस 615 करोड़ रुपए में से मात्र 25,000 इस बच्चे को दिए गए, जिसका इलाज जिसके इलाज पर 10 लाख रुपए खर्च होने हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी तीसरी पीढ़ी दंश भुगत रही है। 10 बरस के बच्चे की दोनों किडनी खराब हो गई है, 5 स्क्वायर किलोमीटर में पानी जहरीला हो गया है, तो वो केस जो यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट में पड़ा है उसमें आप पार्टी बनिए और ये ब्रिटिश पेट्रोलियम के केस का तर्क देते हुए उस अमेरिकन कंपनी को जिसने खरीद लिया है उस डाउ केमिकल से हजारों हजार करोड़ का मुआवजा लेकर आइए, जिससे पर्यावरण भी बचाइए और इन गैस पीड़ितों को मुआवजे की राशि भी दीजिए। उपाध्यक्ष जी, अब मैं इस केस के दंड के जो प्रावधान है उस पर आती हूं। कानूनी लड़ाई दो तरह की थी, एक थी मुआवजे की और दूसरी थी दंड की, के दोषी लोगों को दंड दिया जाए। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें पहला अभियुक्त है वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन। चार्जशीट फाइल करने के बाद एफआईआर में पहला नाम था वॉरेन एंडरसन। भारत आए, भोपाल भी गए और शाम को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन गिरफ्तार करने के चंद घंटे के बाद उन्हें रिहा किया गया। और केवल रिहा नहीं किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी विमान में बिठाकर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से अमेरिका वापस भेज दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं ये काम किसके निर्देश पर किया गया था? पूरा देश जवाब मांग रहा है ये काम किसके निर्देश पर किया गया था, लेकिन सब मौन है। कांग्रेस अध्यक्षा मौन है, प्रधानमंत्री मौन है और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं उपाध्यक्ष जी, हादसा वो था नहीं जो घट गया, हादसा ये है कि सब चुपचाप हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं ये निर्णय किसके निर्देश पर किया गया था? जीओएम ने दबी जबान से कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को तो उसकी बात की खबर एंडरसन के जाने के बाद मिली। इस असत्य का पर्दाफाश हिंदू अखबार ने किया। मेरे पास हिंदू अखबार की 2 कतरनें हैं। ये 26 जून 2010 का अखबार है मेरे पास, 26 जून 2010 का, जिन्होंने ये कहा जब आपने बोला जीओएम ने कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को तो खबर उनके जाने के बाद मिली थी, तो हिंदू ने लिखा एज आर फ्रंट पेज स्टोरी नोट्स अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कंक्लूजन दैट कंटेम्प्ररी मीडिया रिपोर्ट्स आल्सो इंडिकेट दैट द देन प्राइम मिनिस्टर वाज ब्रीफ्ड ऑन मैटर आफ्टर मिस्टर एंडरसन लेफ्ट द कंट्री इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। Assuming that G.K. Reddy's report in the Hindu, especially his front page story of December 8, 1984, are part of the contemporary media reports referred to by the GOM, its conclusion is either a careless misreading of the reports or more likely a clumsy attempt at a cover-up. Hindu keh raha hai ki jo baat aap keh rahe hain ya to aapne unki reports ko सही से पढ़ा नहीं, जानबूझकर सही से पढ़ा नहीं, और या एक कवर अप करने की लिपापोती करने की कोशिश है। और वो रिपोर्ट उन्होंने उस दिन दोबारा लिख दी, 8 दिसंबर 1984 की वो रिपोर्ट जो जीके रेड्डी ने हिंदू में दी थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने जस का तस 26 जून के अधिकार के अखबार में
दोबारा छाप दिया। अब वो मैं पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा था जीके रेड्डी ने उस दिन। द अमेरिकन शार्डी अफेयर्स, मिस्टर गॉर्डन क्रीड कॉल्ड ऑन द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर एम के रसगोत्रा टू वॉइस द यूएस गवर्नमेंट्स कंसर्न ओवर मिस्टर एंडरसन्स अरेस्ट डिस्पाइट द अश्योरेंसेज ऑफ सेफ पैसेज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोबारा पढ़ू, अमेरिकन शार्डी अफेयर्स गॉर्डन क्रीब ने आकर के एम के रसगोत्रा के पास इस बात की शिकायत की थी कि भारत सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिए जाने के बाद के एंडरसन को सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, भोपाल में गिरफ्तार क्यों किया गया। इंडियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं बताइए नारायण स्वामी जी, प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आपको पता। सुनिए सुनिए, मेहरबानी करके सुनिए सर, सर न्यूज पेपर रिपोर्ट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस हाउस, सेवरल रूलिंग्स हैव बीन गिवन इन दिस हाउस, द ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑल्सो नोज इट, शी इज कोटिंग फ्रॉम द न्यूज पेपर रिपोर्ट विच कैनॉट बी एडमिटेड इन द पार्लियामेंट। देखिए एक मिनट, नारायण स्वामी जी मैं ये कह रही हूँ कि जीओएम ने भी कंटेम्पररी मीडिया रिपोर्ट्स की का ही जिक्र किया था, ये अलग कैसे है? बिकॉज देर आर सेवरल रूलिंग दैट न्यूज पेपर रिपोर्ट कैनॉट बी कोटेड इन दिस हाउस बाय एनी मेंबर। 26 साल पहले की बात नारायण स्वामी जी, 26 साल पहले की मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए उसकी ओट लेते हुए जीओएम ये कहता है, अगर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को पता होता तो कम से कम मीडिया रिपोर्ट तो करता। कंटेम्पररी मीडिया रिपोर्ट भी ये कहती है कि उस समय के प्रधानमंत्री को बाद में खबर दी गई, इसलिए कंटेम्पररी मीडिया रिपोर्ट निकालकर हिंदू ने ये भी कहा कि आपने हमारी रिपोर्ट को जानबूझकर गलत पढ़ा है या लीपापोती कर रहे हैं, और उन्होंने 26 जून 2010 को अपनी 8 दिसंबर 1984 की खबर छापी। मैं वो पढ़कर सुना रही हूँ जो उस समय 8 दिसंबर को लिखा गया था। उपाध्यक्ष जी सरकार के साथ साथ एंडरसन, लोग कहते हैं कि एंडरसन को भगा दिया गया, मैं कहना चाहती हूँ ये भगाई का मामला नहीं है, ये विदाई का मामला है और शाही विदाई का मामला है। लेकिन इसके साथ साथ इस संदर्भ में सीबीआई की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के गृहमंत्री से कि एक कुख्यात आतंकवादी, घोर अपराधी सोहराबुद्दीन के मामले में सीबीआई एक राज्य के गृहमंत्री को जेल में डालने का काम करती है, लेकिन 15,000 लोगों के हत्यारे एंडरसन को जेल से भगा देती है। ठीक है अध्यक्ष जी, कृपया शांत रहे। अध्यक्ष जी कुछ रिकॉर्ड नहीं जाए। अध्यक्ष जी मैं कोई गड़कर नहीं कह रही हूँ, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सोहराबुद्दीन टाडा का कन्वित था, जिसके घर से 28 एके 47 और 2 एके 56 मिली,
जिसके घर के पिछवाड़े कुआं बना था, जिसमें हथियारों का जमावड़ा था। वी आर नॉट डिस्कसिंग अमित शाह कैंडिडेट हियर, अमित शाह इज इन जेल, अमित शाह यू आर होपिंग टू शट अप यू आर इन कस्टडी, ही इज इन जेल। वी आर नॉट डिस्कसिंग सोनावली, पार्टी का कंटेंट अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, निरुपम जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, सुषमा जी की बात हो जाएगी, सुषमा जी का जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। प्लीज प्लीज सिट डाउन निरुपम जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे कृपया बैठ जाइए, शांत से शांत बनाए रखिए। कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जो जो कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, निरुपम जी बैठ जाइए। अध्यक्ष जी प्लीज प्लीज प्लीज, अध्यक्ष जी मैं 20-40 मैं कतई विषयांतर नहीं करूंगी, मैं अपने विषय की सीमा जानती हूं, उस विषय की परिधि में रहकर के बात करूंगी। हमने सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग पर अलग से मांगी हुई है चर्चा, हम ये सारे उदाहरण तब देंगे। मैं एक तुलना कर रही हूं, केवल एक तुलना कर रही हूं कि एक तरफ उस व्यक्ति को आप जेल में डालते हैं उसके लिए राज्य गृह मंत्री को, और दूसरी तरफ आप एंडरसन को भगाते हैं जो 15,000 लोगों का हत्यारा, और दूसरी तुलना मैं ये कर रही हूं। प्लीज प्लीज, और दूसरी तुलना मैं ये करना चाहती हूं कि एक तरफ एक व्यक्ति जिसके घर से हथियारों का जमावड़ा जखीरा मिलता है, जो टाडा का कन्विक्ट है, उसकी मौत के केस को तो सीबीआई इतनी प्राथमिकता देती है कि एक एक दिन के लिए अगर संबंध की तामील ना हो तो टीवी पर चलवाती है, लेकिन दूसरी तरफ एंडरसन के लिए 27 मार्च 1992 को वारंट निकले, 22 जुलाई 2009 को वारंट निकले, लेकिन आज तक सीबीआई उन वारंटों की तामील नहीं करवा सकी है। इसके लिए मैं इस विषय को ला रही हूँ, मैं एकदम प्रासंगिक बोल रही हूँ, मैं एकदम प्रासंगिक बोल रही हूँ, मैं तुलना कर रही हूँ। हमारे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, वो उदाहरण हम देंगे जब सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा करेंगे तो उदाहरण देंगे, आज मैं उस चर्चा में भाग नहीं ले रही हूँ। लेकिन शांत रहे, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, उसे रिकॉर्ड मिल जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि सीबीआई अपने आकाओं के निर्देश पर काम कर रही थी, और इसीलिए गिरफ्तार करने के बाद उसने उसको रिहा भी किया, भगा भी दिया, और एक बार नहीं सारे फिरंगी भगाए जाते हैं, क्वात्रोची हो या एंडरसन, कोई या नहीं रहता। आज ही अखबार में है,
बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, आज ही अखबार में है कि सीबीआई ने कहा कि क्वात्रा जी का कोई केस वापस उसकी फाइलें हटा दी है, केस बंद कर दिया। कृपया शांत रहे। अरे आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा, सब जवाब दे दीजिएगा ना, शांत रहिए। उपाध्यक्ष जी, आज ही मिलेगा। आज ही समाचार पत्र में छपा है। प्लीज। अरे बैठिए। आज ही समाचार पत्र में छपा है कि क्वात्रा जी का केस बंद करने के लिए सीबीआई ने अर्जी दी है। आज ही छपा है। मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार को फिरंगियों से इतना मोह क्यों है? क्वात्रा जी या एंडरसन को भगा दो, क्वात्रा जी को भगा दो, और बाद में कहो कि हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्लीज। बाकी किसी का रिकॉर्ड नहीं जाएगा, किसी का नहीं। और बाद में कहो कि हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए उन पर चार्ज नहीं लगा और केस बंद करवा दो। प्लीज। अरे वाले मिनिस्टर, मैं आपको बताना चाहती हूँ उपाध्यक्ष जी, केस 1984 का है, घटना 1984 की है। एंडरसन को बुलाने के लिए पहली बार लेटर रोगेटरी मई 2003 में भेजा गया, जब एनडीए की सरकार थी। और ये भी मैं कहने रही खुद, ये गृहमंत्री जी, ये भी जवाब इसी सदन में दिया गया, इसी सदन में। मैं आपके अपने जवाब से पढ़कर बता रही, ये जवाब इसी सदन में दिया गया, प्रश्न संख्या 54, जिसमें ये पूछा गया था कि आपने 28 जुलाई को जवाब दिया गया एक्सट्रैडिशन ऑफ वॉरन एंडरसन पर, और जवाब में उन्होंने कहा, इन मई 2003 इट वॉज डिसाइडेड टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट फॉर द एक्सट्रैडिशन ऑफ वॉरन एंडरसन ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल एविडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। मई 2003 में ये वॉरन एंडरसन को एक्सट्रैडिशन की रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया। आज उसके बाद हम 2004 में चले गए, तब से लेकर आज तक सीबीआई ने उसके प्रत्यार्पण के लिए क्या किया, ये मैं पूछना चाहूंगा। और केवल यही नहीं, ये केवल वॉरन एंडरसन का मामला नहीं है उपाध्यक्ष जी, ये दास्तां बहुत बेवफाइयों से भरी हुई है, एक से नहीं। मैंने जिस समझौते का जिक्र किया, अरे खत्म करने दीजिए, खत्म हो रहा है, खत्म करने दीजिए। खत्म हो रहा है, भोजन का समय आ गया है। 1989 के जिस समझौते का जिक्र मैंने किया था, उस समझौते को भी गैस पीड़ित संगठनों ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हमको इसमें न्याय नहीं मिला, पर ये सच था, उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ न्यायाधीशों को न्याय जरूर मिल गया था। उस समझौते का ऑर्डर पास करने वाले एक जज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्ति मिल गई थी, एक जज को कई आयोगों का अध्यक्ष बनाते बनाते राज्यसभा भी मिल गई थी, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया था। अगर ठगे गए तो केवल गैस पीड़ित ठगे गए थे, लेकिन उन लोगों ने जब समझौते को चुनौती दी तो 1991 में उन्हें आधा न्याय मिला। 1991 में एक ऑर्डर पास करके जस्टिस वेंकट चलैया ने 1989 के जिस समझौते का जिक्र मैंने किया था, उस समझौते को भी गैस पीड़ित संगठनों ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हमको इसमें न्याय नहीं मिला, पर ये सच था,
उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ न्यायाधीशों को न्याय जरूर मिल गया था। उस समझौते का ऑर्डर पास करने वाले एक जज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्ति मिल गई थी, एक जज को कई आयोगों का अध्यक्ष बनाते बनाते राज्यसभा भी मिल गई थी। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया था, अगर ठगे गए तो केवल गैस पीड़ित ठगे गए थे। लेकिन उन लोगों ने जब समझौते को चुनौती दी तो 1991 में उन्हें आधा न्याय मिला। 1991 में एक ऑर्डर पास करके जस्टिस वेंकट चलैया ने, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था पांच का, लेकिन जजमेंट जस्टिस वेंकट चलैया का, जिन्होंने कहा कि जो दीवानी मामला है मुआवजे का, उसको तो हम नहीं खत्म करेंगे, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमने क्वाश कर दी हैं, उसको हम खत्म करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप अगर फौजदारी मुकदमा चलाना चाहो तो चला सकते हो। उस ऑर्डर की चार लाइनें मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द कंटेंशन दैट द कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू क्वाश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 142(1) इज रिजेक्टेड, बट इन द पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इट इज हेल्ड दैट द क्वाशिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वॉज नॉट जस्टिफाइड। द क्रिमिनल प्रोसीडिंग आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू बी प्रोसीडेड। आधा न्याय मिला, खुश हुए, और उन्होंने फौजदारी मुकदमे दोबारा डाले। सभी अदालतों में चल रहे मुकदमे जो फौजदारी मुकदमे थे वो वापस शुरू हो गए। माफ करें, वो जो फौजदारी मुकदमे शुरू हुए, लोग खुश हुए, उन्होंने कहा चलो दीवानी लड़ाई हम अमेरिका की कोर्ट में लड़ रहे हैं, भारतीय कोर्टों में हम कम से कम ये फौजदारी मुकदमे जीतेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक धोखा हुआ, फिर एक बेवफाई हुई। 1996 में जो मुकदमे चल रहे थे आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के नीचे, जिसके नीचे 10 साल की सजा का प्रावधान था, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहमदी ने 304 पार्ट 2 से घटाकर 304 ए में कर दिए, जिसमें केवल 2 साल की सजा का प्रावधान था। और मैं बताना चाहती हूं पढ़कर क्या कहा उन्होंने। इट इज हेल्ड, ये जस्टिस अहमदी का मुकदमा वो ऑर्डर, इट इज हेल्ड दैट ऑन द मटेरियल लेड बाय द प्रोसिक्यूशन अप्रोप्रिएट चार्जेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज कंसर्न आर अंडर सेक्शन 304 AIPC इन द रिजल्ट ऑफ द अपील फाइल्ड बाय द अक्यूज चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट देम अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 आर क्वाश्ड एंड सेट असाइड। अहमदी को मिला BMHRC की ट्रस्टीशिप लाइफ लॉन्ग। 10 साल की सजा का प्रावधान लेने वाली धारा हटा करके 2 साल के सजा के प्रावधान में बदल दी गई। ये दूसरा धोखा था, ये दूसरी बेवफाई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दास्तान इतनी लंबी है, इसमें किस किस ने क्या खेल खेला है वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सब पुराने बताइए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। लोग जो कहते हैं कि CJM ने 2 साल की सजा दी, बड़े बड़े अखबारों ने लिखा जस्टिस इज ब्लाइंड आफ्टर 25 इयर्स ओनली 2 इयर्स पनिशमेंट। अरे वो CJM क्या करता, उसके तो हाथ बंधे थे। इस फैसले की नींव तो जस्टिस अहमदी ने उसी दिन डाल दी थी जिस दिन वो धारा बदलकर 2 साल के सजा के प्रावधान में कर दी गई थी। वो CJM 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता था उपाध्यक्ष जी, उसने अधिकतम सजा सुना दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक GOM यहां बना, एक GOM मध्य प्रदेश में बना। यहां इन लोगों ने तय किया कि हम एक क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में एक पिटीशन डालेंगे। लेकिन मुझे दुख है कि मध्य प्रदेश की सरकार जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में पार्टी बनने गई तो CBI ने कहा कि आपको कोई लोकस ही नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार पार्टी बनी नहीं सकती। और मुझे दुख है, चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और जिसमें उन्होंने कहा है
कि अगर हम पार्टी बन जाएंगे तो क्या नुकसान होगा सीबीआई का, सीबीआई के हाथ मजबूती होंगे, हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे गैस पीड़ितों की। जब तक ये सच नहीं है कि वो दोषियों को सजा नहीं दिलवाना चाहती सीबीआई, तो क्यों मना कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार को पार्टी बनने से। मैं पूछना चाहती हूं गृहमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा है चीफ मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा है कि हमें यह पार्टी बनने दो, लेकिन सीबीआई वहां इंकार क्यों कर रही है, क्यों उनके लोकस को मना कर रही है। अगर मध्य प्रदेश सरकार वहां पार्टी बनेगी तो केस मजबूत होगा। और जो मैं कह रही हूं कि यहां से एक प्रस्ताव पारित हो कि हम 1989 का समझौता रद्द करें, जिसको मैं 184 के तहत लाना चाहती थी, मैं कहना चाहती हूं गृहमंत्री से, आपके जीओ ने तय किया क्यूरेटिव पिटीशन डालने का, अगर संसद वो प्रस्ताव पारित करेगी तो आपका केस बलवती होगा, आपके हाथ मजबूत होंगे कि भारतीय संसद ने एक साथ मिलकर उस समझौते को निरस्त कर दिया जिस समझौते ने गैस पीड़ितों के साथ धोखा किया। और क्या ऐसा पहले कभी हुआ नहीं? अरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को तो यहां विधेयक पारित कर करके निरस्त किया गया है, ये तो ऑर्डर भी नहीं है, ये तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को ऑर्डर बनाकर दिया गया है। आप क्यों मना करते हैं? अगर यह प्रस्ताव ये संसद पारित करेगी तो क्यूरेटिव पिटीशन को बल मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के लोग ये कहेंगे न्यायाधीश कि भारतीय संसद जो प्रतिनिधित्व करती है पूरे जनमानस का, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, हम इसको क्यों बनाए रखें। इसके साथ ही एक और प्रश्न है उपाध्यक्ष जी, जो बहुत बड़ा है, वो ये है कि इस फैक्ट्री में आज भी 20,000 मीट्रिक टन रसायन बचा हुआ है, उस कचरे का विनाश कैसे किया जाए, उसको नष्ट कैसे किया जाए, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। फैक्ट्री वाले कहते हैं इसको पीतमपुर में ले जाओ, पीतमपुर इंदौर के पास धार का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां ले जाकर इसका नष्ट कर दो। वहां ले जाकर नाश करने का मतलब है एक और हादसे की नींव रखना। मैं पूछना चाहती कि जब MIC आयात करके आती थी अमेरिका से, और जब ये रसायन भोपाल से बंद टैंकरों में पीतमपुर ले जाया जा सकता है, तो रे ये रसायन बंद टैंकरों में अमेरिका वापस क्यों नहीं भेजा जाता? उनके यहां बड़े बड़े अच्छे इंसिनरेटर्स हैं, उनके यहां इतने अच्छे इंसिनरेटर्स हैं, हमारे यहां वो उपकरण नहीं है। उनके यहां वो हजारों हजार लाखों लाख मीट्रिक टन को नष्ट करते हैं, हमारे यहां अगर थोड़ा सा रसायन भी विनाश से पहले एक और विनाश कर गया तो एक और भोपाल घट जाएगा। इसलिए इस पूरे कचरे के नाश के लिए इसको हमें वापस अमेरिका भेजना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं उपाध्यक्ष जी, पहली बार है कि मेरे बोलते समय घंटी बजी, मैं तो घंटियां खड़का खड़का के इनको सुनाना चाह रही थी, क्योंकि धीरे धीरे आत्मा जाग रही है लोगों की। मैं अभिनंदन करती हूं कि जियो हमने जो सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों से लगा है वर्तमान सरकार की आत्मा जाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक केस में यह कहा, जब अभियुक्त जिनको 2 साल की सजा मिली वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए सजा कम करवाने, तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने कहा कि अब और 25 वर्ष लगाना चाहते हो आप, 25 वर्ष बाद तो ये फैसला हुआ है, अब 15 साल हाई कोर्ट में लगेंगे और 10 साल यहां। लगता है सुप्रीम कोर्ट की भी आत्मा जाग रही है। मैं चाहती हूं आज इस सदन से मांग करती हूं, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि सारा हाउस राजनीतिक दल की सीमाओं को लांघते हुए आज ये प्रस्ताव पारित करें कि वो समझौता 1989 का रद्द किया जाए, एक नया समझौता किया जाए जिस समझौते के माध्यम से गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले, दोषियों को पर्याप्त दंड मिले, इस कचरे को वापस अमेरिका भेजा जाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूं गृहमंत्री जी कि जो मुकदमा अमेरिका के न्यूयॉर्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है उसमें भारत सरकार पार्टी बने,
प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए गए हैं, जो हमें ठेंगा दिखाते हुए गए हैं, उन्हें ब्रिटिश पेट्रोलियम का केस सामने दिखा करके उनका नया अवतार जो डाउ केमिकल्स है उससे हजारों हजार करोड़ रुपए का मुआवजा आप अमेरिका से लेकर के आइए, दोषियों को पर्याप्त दंड दिलवाइए और यहाँ एक नए न्याय की